गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिताली जोशी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर के बारे में तो सभी को पता है जो हमारी अक्टूबर महीने में आई थी, जहाँ पर यह बताया गया था कि अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक अगर आप अपनी सेल्फ आईडी पे 3000 या 3000 से ज़्यादा पीवी कर लेते हो तो वो केस में आपको तकरीबन 20,000 रुपये के ये प्रोडक्ट्स फ्री मिलने वाले थे, जो गिफ्ट के तौर पर मिलने वाले थे, और वहीं पर एक मेगा लकी ड्रॉ में भी आपको पार्टिसिपेट करने का चांस मिल रहा था। तो ये ऑफर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑफर तो आप सभी को मालूम है। लेकिन दोस्तों, कल रात को कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे मैं बताता हूँ, पर्दा खुलने दीजिए, थोड़ा सब्र कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी में क्या ट्विस्ट आया है, वहाँ पर ये बताया गया था कि 3000 पीवी जो करने हैं वो आपको अकेले को अपनी सेल्फ आईडी पे करने थे, बट यहाँ पर ये ट्विस्ट आया है कि अब ये 3000 पीवी आपको अकेले को नहीं करने हैं, आप अपनी 3 नई डाउनलाइन के साथ मिलकर भी ये टारगेट पूरा कर सकते हो। तो बिल्कुल भी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि जितनी भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, क्या रूल्स है, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सब कुछ ये मैं वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब से ये ऑफर आई है, कल से मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है और ये ट्विस्ट का आपको क्या बेनिफिट होगा, सब कुछ मैं बताऊँगा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डाउनलाइन मस्ट हैव ज्वाइन इन दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024, मैक्सिमम 3 डाउनलाइंस विल बी कंसीडर। देखिए, इसके सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि आपकी जो डाउनलाइन है, जो आप नई जो डाउनलाइन के पीवी आपके ये जो 3000 पीवी में काउंट होने वाले हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में हुई होनी चाहिए। उससे पहले अगर वो हो गई है तो भी नहीं चलेगा, और फरवरी और मार्च में ज्वाइनिंग हुई है तो उनके पीवी भी काउंट नहीं होंगे। और दूसरा लाइन क्या लिखा है, मैक्सिमम 3 डाउनलाइंस विल बी कंसीडर। आप चाहे 3 से ज़्यादा भी डाउनलाइन ओपन कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम 3 डाउनलाइन के पीवी ही काउंट होंगे। क्या होंगे, कितने होंगे, सब कुछ आगे वीडियो में बताऊँगा, किस तरीके से होंगे वो भी बताऊँगा। अब मैक्सिमम का तो दे दिया है लिमिट, मिनिमम का कुछ नहीं लिखा है। तो क्या हम एक डाउनलाइन भी ओपन कर लेंगे या 2 डाउनलाइन ओपन करेंगे तो चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपका जो सेल्फ का है वो थोड़ा टारगेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 3000 पीवी आपको करने हैं और आपने 3 डाउनलाइन ओपन कर लिए, तो आपके 1500 पीवी, हर एक डाउनलाइन के 500-500 पीवी काउंट होने वाले। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये पॉइंट भी समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, अप टू 500 पीवी पर डाउनलाइन विल बी कंसिडर्ड इन V20 मेगा ऑफर आउट ऑफ टोटल पीवी बिल्ड ईच डाउनलाइन बिटवीन 2 दिसंबर 2023 अंटिल मार्च 2024 बिजनेस मंथ एंड। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी डाउनलाइन दिसंबर से लेके मार्च महीने तक कितने भी पीवी कर लेगा मल्टीपल इनवॉइस में, लेकिन 500 पीवी से ज़्यादा काउंट नहीं होगा। मे बी पॉसिबल है कि आपने जो डाउनलाइन खोली है दिसंबर में और जनवरी में, उन्होंने 1000-1500-2000 पीवी भी कर लिए अपनी सेल्फ आईडी पे, उनकी खुद की सेल्फ आईडी पे, तो भी एक डाउनलाइन से सिर्फ 500 पीवी काउंट हो गए, उससे ज़्यादा काउंट नहीं हो गए। अब ये केस में देखो, जो पहला पॉइंट था उसका मैं एलोब्रेट कर देता हूँ। आपने सिर्फ एक डाउनलाइन ओपन की है, अब एक डाउनलाइन के तो मैक्सिमम 500 पीवी ही काउंट होने वाले, तो ये केस में आपको अपने सेल्फ आईडी पे अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक आपके, क्योंकि देखो ऑफर तो अक्टूबर से स्टार्ट हो गए, तो 2500 पीवी आपको खुद को करने पड़ेंगे और एक डाउनलाइन ओपन की है उनका 500 पीवी काउंट होगा। तो मैक्सिमम जितनी आप डाउनलाइन ओपन करोगे अप टू 3, अगर 3 डाउनलाइन ओपन कर ली है तो आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। आप खुद के सेल्फ आईडी पे अक्टूबर से मार्च में 1500 पीवी कर लीजिए और ये तीनों डाउनलाइन से 500-500-500 ये 4 महीने में करवा दीजिए, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च का मिलकर। तो ये केस में वो 3 डाउनलाइन के 1500 पीवी और आपके खुद के 500 टोटल 1500 पीवी, तो ये केस में भी आपका टोटल 3000 पीवी हो जाएगा और आपको V20 ऑफर का बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा सवाल लोगों ने पूछा है, क्योंकि ये लाइन में देखो ये लिखा है कि दिस स्कीम इज वैलिड फ्रॉम 2 दिसंबर अंटिल 2024 बिजनेस मंथ।
तो ये किसके लिए है? नई डाउनलाइन के लिए है। अब इसमें ये प्रश्न आ रहा था कि सर ये ऑफर तो दिसंबर से, तो क्या हमने हमारे खुद के सेल्फ आईडी पे अक्टूबर और नवंबर में जो परचेस की है क्या वो पीवी इसमें काउंट होगी? जी हाँ दोस्तों, आपने खुद के जो सेल्फ आईडी पे पीवी की है, क्योंकि ऑफर तो अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, तो वो पीवी जरूर काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए आपने अक्टूबर में 100 पीवी किए थे और नवंबर में आपने 200 पीवी किए थे, अब तक आपने अपनी सेल्फ आईडी पे किए थे 300 पीवी, तो तीनों डाउनलाइन के मिलके मैक्सिमम तो 1500 ही काउंट होने वाले, उससे ज़्यादा तो होने वाले नहीं है। तो ये केस में आपके 300 पीवी तो ऑलरेडी हो चुके, तो आपका फोकस अब ये होना चाहिए कि मैक्सिमम और 1200 पीवी आपको अपनी सेल्फ आईडी पे परचेस करनी है। 1200 से ज़्यादा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और बचे हुए 1500 पीवी ये तीन नई डाउनलाइन से भी आप करवा के 3000 पीवी आप आसानी से अचीव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, सक्सेसफुली गेट 3 डायरेक्ट डाउनलाइन इन दिसंबर और जनवरी एंड अप टू 500 पीवी मल्टीपल इनवॉइस भी इसमें चलेगा, विल बी एडेड इन V20 मेगा ऑफर आउट ऑफ टोटल पीवी बिल्ड बाय ईच डाउनलाइन। देखिए ये पॉइंट मैंने शुरुआत में भी बताई थी, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आपको सक्सेसफुली 3 डाउनलाइन ओपन करनी है दिसंबर और जनवरी में। 3 से कम भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से ज़्यादा करोगे तो भी सिर्फ 3 काउंट होगी। और जैसे मैंने बताया उन्होंने कितने भी पीवी किए रहेंगे मैक्सिमम 500 पीवी काउंट होंगे। अब ये केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तीनों डाउनलाइन ने मिल के 500 के जगह पे सिर्फ हर महीने मान लीजिए वो लोग सिर्फ 100-100 पीवी करते हैं, तो चारों महीने में दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में 400 पीवी हो गए, तो तीनों डाउनलाइन के मिलके हो जाएंगे 1200 पीवी। तो ये केस में बचे हुए 1800 पीवी आपको अपनी सेल्फ आईडी पे करने पड़ेंगे, मैक्सिमम 1500 पीवी काउंट हो गए, और 500 से अगर कम किए हैं आपकी डाउनलाइनों ने तो वो भी काउंट जरूर हो गए, लेकिन 3000 पीवी में से सिर्फ उतने पीवी ही माइनस हो गए जितने वो डाउनलाइन ने किए। उम्मीद है आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब, मैक्सिमम 500 पीवी काउंट हो गए, उन्होंने मान के चलिए कि एक डाउनलाइन ने तो 500 कर लिए, दूसरी डाउनलाइन ने भी 500 कर लिए, और तीसरी डाउनलाइन ने सिर्फ चारों महीने में मिलके दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में मिलके हर महीने मान के चलिए कि उन्होंने सिर्फ 75 पीवी हर महीने कर रहा है, तो 4 महीने का मिलके हो जाएगा उसके 300 पीवी, तो 2 डाउनलाइन के 500 1000 और तीसरी डाउनलाइन के 300, मतलब टोटल 3 डाउनलाइन से कितने आ गए आपको 1300 पीवी आ गए। तो ये केस में आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी जो सेल्फ आईडी पे अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक बचे हुए 1700 पीवी जो है वो आपने अपने खुद की सेल्फ आईडी पे किए हुए होने रहने चाहिए। उसके बाद क्या बात करते हैं, देखिए दोस्तों इसके बाद आता है स्टैंडर्ड V20 मेगा ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन सेम, मतलब जो अक्टूबर में जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी वो तो रिमेन सेम ही है, टोटल आपको 3000 पीवी ही तो करने ही करने, फर्क सिर्फ अभी इतना पड़ गया है ये कंडीशन में कि वो जो 3000 पीवी आपको सिर्फ अपने सेल्फ आईडी पे करने थे वो ना करते हुए आप अपनी डाउनलाइन के साथ मिलकर भी मैक्सिमम 3 डाउनलाइन, मैं बार बार दोहराता हूँ, उनके साथ मिलकर भी आप ये कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन रीपर्चेस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एनी कैटेगरी। देखिए यहाँ पर रीपर्चेस लिखा गया है तो आपको बिल्कुल भी है ना वो चांस नहीं लेना है, आप जब भी नई डाउनलाइन ओपन करो तो कोई एकाध प्रोडक्ट लेके पहला उनका फर्स्ट इनवॉइस करवा दीजिए और उसके बाद जितने भी वो करेंगे पीवी वो सारे काउंट हो गए। हालांकि सभी पीवी काउंट होने चाहिए बट ये लाइन में कुछ ऐसा रीपर्चेस लिखा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हमें कोई चांस नहीं लेना है। नई डाउनलाइन का फर्स्ट इनवॉइस आप मान के चलिए काउंट नहीं होगा और उसके बाद जितना भी वो रीपर्चेस करेगा वो वहाँ पर काउंट हो जाएगा, बाकी नॉर्मल कंडीशन है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और सब कुछ है ऐसा। तो सारे पॉइंट हालांकि मैंने कवर कर दिए, फिर भी आपको एक बात बता दूं कि वेट फॉर पार्ट 2 एक्सप्लेन ऑन बोर्ड, ये तो आपको मोटा मोटी सब कुछ समझा दिया, अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा कि किस आसानी से आप ये टारगेट अभी भी अचीव कर सकते हो। इसके लिए आपको बोर्ड के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा और वो आपको प्रेजेंटेशन पूरा देखना है, लेकिन आप कब देख पाओगे वो दोस्तों सेकंड पार्ट, आपको सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन को ये वीडियो अभी से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वो सेकंड पार्ट देखने मिल जाए, बिल्कुल भी गलती ना करें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करिए और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा।
क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तभी तो ये जो सेकंड पार्ट जो मैं अपलोड करूंगा कल, सारी डिटेल्स के साथ, सारे कॉम्बिनेशन के साथ कि इस तरीके से भी हो सकता है, वो सारे जो भी है कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि वो मैं बोर्ड पे बताने वाला हूँ। तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन को ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आप सेकंड पार्ट के लिए कितने उत्सुक हैं। तो मिलते हैं कल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट।